आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि केशियो सीटीके 2550 में हम किस तरह से एमआईडीआई फाइल है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ऑक्स केबल है उसका एक सिरा है वो जो ऑडियो इन वाला पोर्ट है केशियो में उसमें इंसर्ट करेंगे, और जो दूसरा पोर्ट है जो दूसरा सिरा है वो हम हमारे जो मोबाइल है उसके 3.5 mm वाले जैक में इंसर्ट करेंगे। अब इसके बाद जो अपने मोबाइल ऐप है कोडोना ऐप उसको हम लॉन्च करेंगे, और यहाँ पे जो सॉन्ग सिलेक्शन वाला एरिया है वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ पहले से प्रीलोडेड इंटरनल सॉन्ग्स हैं, और अपनी जो MIDI फाइल है वो यहाँ पे दूसरे सेगमेंट है उसमें आई जाएगी। तो जैसे कुछ कुछ होता है ये मुझे यहाँ पर ट्रांसफ़र करनी है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और ये अभी कोडोना ऐप पर लोड हो जाएगी। तो अब क्या करना है, अब जो अपना केशियो है इसको मुझे स्टार्ट करना है। अब मैं अपने केशियो को यहाँ पर स्टार्ट कर दूँगा। तो अब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे हम सेटिंग मोड में जाएंगे और यहाँ से ये पेयरिंग वाले पे क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे। अब यहाँ कीबोर्ड के स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ एंटर द ऐप मोड लिखा आ रहा है। तो ऐप मोड में जाने के लिए कीबोर्ड की जो फंक्शन की है इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। इसके बाद जो कीबोर्ड की स्क्रीन है इस पर ऐप मोड आने लग जाएगा। तो अब हम जो ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है इसमें इसके बाद यहाँ ओके पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐप लॉक करके कुछ लिखा हुआ आएगा यहाँ स्क्रीन के ऊपर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉन्ग ट्रांसफ़र है उस पर क्लिक करना है और ओके करना है। इसके बाद नीचे यहाँ जो ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन आ रहा है इसको सेलेक्ट करना है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद ज़्यादा कुछ होगा नहीं, वो ऐप वॉल्यूम ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा इसमें और ये कम्प्लीट शो करेगा। तो अभी ये सॉन्ग ट्रांसफ़र के लिए तैयार हो गया, तो हमें एक बार और इसको ट्रांसफ़र करना है। तो इस बार जो कीबोर्ड की स्क्रीन है उस पर रिसीविंग लिखा हुआ आने लग जाएगा, जो हमारे लास्ट यूज़र वाला स्पेस है वहाँ पे ये जो सॉन्ग है ये अब स्टोर हो चुका है। तो चलिए इसको प्ले करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखिए 64 नंबर पे कुछ कुछ होता है, इसी हो चुका है। हम इसको प्ले करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो कुछ यूज़र वाली फाइलें हैं 61, 62, 63 ये सब वो फाइलें हैं जो कि मैंने MIDI फाइल जो है ट्रांसफ़र करी हैं, और ये सब ट्यूनें वही हैं। तो जैसे ही अभी देखिए 65 पे कोई भी फाइल यहाँ पे नहीं है, ये तो ये 65 यूज़र शो कर रहा है। तो चलिए फिर ये जो 65 नंबर है इस पर एक और फाइल है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम जो कोडोना ऐप का है उसके MIDI फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे। तो जैसे कि अभी यहाँ पर चलो ये सपनों की रानी है इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और ओके पे प्रेस करने के बाद ये गाना यहाँ पे लोड हो जाएगा। अब इसके बाद हम हमारे जो कोडोना ऐप की सेटिंग है इसमें जाते हैं और यहाँ पे जो कीबोर्ड लिंक है इसको कीबोर्ड लिंक को ऑन करते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कीबोर्ड लिंक हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एंटर ऐप मोड लिखा हुआ आने लग जाएगा। तो हम फंक्शन की को होल्ड करेंगे और होल्ड करके जो है इसको ऐप मोड में लेके जाएंगे। अब यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ सॉन्ग ट्रांसफ़र पर जाएँगे और सॉन्ग ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे एक बार और इसको सॉन्ग ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे अब ऐप वॉल्यूम ओके लिखा हुआ आने लग गया है। तो एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस ओके प्रेस करके ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिसीविंग लिखा हुआ आने लग गया है, इसका मतलब जो 65 नंबर का स्लॉट है वहाँ पर जो हमारी MIDI फाइल है वो सेव हो चुकी है। तो चलिए फिर आप इसको बजा के देखते हैं, प्ले करेंगे। तो इस तरह से हम कुछ MIDI फाइल है वो अपने केशियो सीटीके 2550 के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करेगा, और अगर ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे दीजिए नमस्कार।